चलिए दोस्तों, तो बनाते हैं बैल पोला के लिए बहुत ही सुंदर ऐसा ड्राइंग। कैसे बनाएंगे? यू का आकार हमें लेना है, तीन यू खड़ी लाइन में हमें इस तरह से बनाने हैं। बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है। देखिएगा, इस तरह से तीन यू हमने लगातार इस तरह से बना दिए। ऊपर वाला जो यू है उसी की लाइन में हमें यहाँ पर भी एक यू बनाना है ताकि किसान बन सके। नीचे वाला जो यू है उसी की लाइन में थोड़ा सा नीचे हमें डबल यू कुछ इस तरह से बनाने हैं, या आप डब्ल्यू भी बना सकते हैं, पर इस हिसाब से आप डब्ल्यू ही बनाइएगा। देखिए, इस तरह से हमारा ड्राइंग का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है बेसिक। आप देखिएगा, यहाँ से हम बैल का चेहरा बनाएंगे, यहाँ पर उसके हम सींग बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। महाराष्ट्र का ये बहुत ही लोकप्रिय सण है, उत्सव है। देखिए, जे पण लोग आपले महाराष्ट्रातील मराठी बांधव बघत असतील त्यांना माहितीच आहे बैल पोळा किती आवडीचा सण आहे आपला। देखिए, इस तरह से बैल का जो चेहरा है वो इस तरह से बनता है। देखिए, बहुत ही सुंदर ये ड्राइंग है। बाकी प्रदेशों में मनाया जाता है या नहीं मुझे पता नहीं है, पर हमारे महाराष्ट्र में जोरों शोरों से मनाया जाता है। किसान का दोस्त होता है जो बैल होता है, जो गोवंश होता है, गाय होती है, बैल होता है। देखिए, इस तरह से खेती के कामों में बहुत काम आते हैं। अब तो सब जगह ट्रैक्टर वगैरह न्यू आधुनिक तकनीकें आ गई है। देखिए इस तरह से, तो उनको थैंक यू कहने के लिए ये दिन होता है जो पालतू पशु होते हैं। देखिए इस तरह से उसके कान बन गए। अब देखिएगा, जो नीचे वाला यू है उसे कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए, कुछ सामने की तरफ से हम ये ड्राइंग बना रहे हैं, तो सामने का हिस्सा ही हमें दिखेगा। ये उसके पैर हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा यू के आकार की मदद से। बहुत ही सुंदर ऐसा ये ड्राइंग बनता है। देखिए, उसके सामने के दोनों पैर बन गए। यहाँ से उसके गले में कुछ घंटीनुमा जो हार होता है घुंघरू का, वो भी होता है। बहुत ही सजा धजा के इस दिन बैलों की पूजा वगैरह की जाती है। देखिए इस तरह से उसके गले में घुंघरू वाली घंटी बन गई। यहाँ पर उसके हम खुर वगैरह जो पैर होते हैं वो बना लेंगे। देखिए, सिंपल सा तरीका है। आपके ड्राइंग टीचर सूरज है तो आपके लिए आसान से ही ड्राइंग बनाएंगे। देखिए इस तरह से उनके कंधों पर या शरीर पर एक कपड़ा भी सुंदर ऐसा रंग बिरंगा लगाया होता है, बिछाया होता है। देखिए इस तरह से। अब ये सामने की तरफ से हम ड्राइंग बना रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें कुछ झंझट वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल हो जाता है। पीछे के पैर भी थोड़े से हमें दिखेंगे, वो भी हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। आप ये ड्राइंग बना सकते हैं बैल पोले के दिन, या वैसे भी शौकिया तौर पर आप बना सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से। ये उसका थोड़ा सा पेट का हिस्सा भी हमें दिखेगा, देखा आपने। तो अब बनाएंगे हम किसान को। एक बार यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हैं। देखिए, अब बनाएंगे हम किसान को जो अपने बैल के साथ खड़ा है। देखिए इस तरह से, यहाँ से उसका फेटा बनेगा, पगड़ी बनेगी। देखिए, बहुत ही सुंदर सा तरीका है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके प्रदेशों में पशुओं को थैंक यू कहने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए इस तरह से किसान की थोड़ी सी मूछें वगैरह हम दिखाएंगे। रोबदार सा एक किसान सिंपल से तरीके से ये बना रहे हैं। देखिए, यहाँ से उसके कुर्ते की जो गला है वो बन जाएगा। एक हाथ उसने अपने बैल के कंधे पर रखा है, उसका दोस्त जो ठहरा। देखिए इस तरह से, यहाँ से उसका कुर्ता हम नीचे वाले दो यू है उनके साथ जोड़ देंगे। यहाँ से उसका हम लेफ्ट वाला हाथ बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। पेंसिल से भी आप पहले बना सकते हैं। यहाँ से उसके हम पैर बनाएंगे। देखिए नीचे वाले जो दो यू है उसी में से उसकी धोती बन गई सुंदर से। देखिए उसके जूते। आणि खास करून आपल्या महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांसाठी ड्रॉइंग टीचर सूरजची एक विनंती आहे। आपल्याला माहितच आहे बैल पोळा आपल्यासाठी किती महत्त्वाचा सण आहे, तर जरूर आपल्या मित्रांसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा। और आप सभी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इस तरह से उसकी रस्सी वगैरह जो होती है गले में बांधी हुई वो भी बनती है। कितनी आसानी से बैल पोला के लिए जो उत्सव है उसके लिए ड्राइंग बन गया। आप जितनी चाहे बैल भी निकाल सकते हैं इसी ट्रिक की मदद से। तो देखिए सुंदर तरीके से कलर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे ड्राइंग टीचर सूरज चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि डेली हमारी मुलाकात हो सके।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी बैल पोला, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जल्दी ही फिर से मिलते हैं।